जी दोस्तों, आप लोगों ने ये डांस की वीडियो देखी है। ये थे चौधरी अब्दुलरहमान बंदेशा। ये इनके एक दोस्त की शादी थी जिसमें बिलाल चीमा, अब्दुलरहमान बंदेशा और इनके चंद दोस्तों ने डांस किया था। डांस तो बहुत से दोस्तों ने किया था लेकिन वीडियो क्लिप जो था वो सिर्फ़ अब्दुलरहमान बंदेशा भाई का बनाया गया था। अब्दुलरहमान बंदेशा जैसा बेटा माँ कभी पैदा ही नहीं करेगी। अब्दुलरहमान एक ही था जो आया लोगों में, उसने प्यार बांटा है, दिल लगाया लोगों के साथ, प्यार मोहब्बत किया और इस दुनिया से चला गया है। आज उसको लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद रखते हैं। यकीन मानो, मैंने उस बंदे के बारे में बहुत सिफतें सुनी हैं। वो गरीबों का हमदर्द था, उसने कभी किसी की ज़्यादती नहीं की थी, जुल्म नहीं किया था। उसकी यादें रह गई हैं, वो चला गया और उसकी यादें क़यामत तक रहेंगी। अच्छा इंसान जो होता है उसकी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं, बुरा इंसान जो होता है उसकी बुरी बातें याद रहती हैं, उसकी अच्छाई कोई याद नहीं करता, उसका जुल्म ये हमेशा याद करते हैं। अब्दुलरहमान बंदेशा के कत्ल के बाद उनकी हमशीरा सिदरा सईद बंदेशा ने मुखालफीन को काफ़ी टफ़ टाइम दिया है और डॉक्टर नसार जट के बहुत से जो चेयरमैन थे, काउंसलर थे, नाजमीन थे, उन्होंने सिदरा सईद बंदेशा ग्रुप में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया है, जबकि बहुत से लोग शामिल हो भी चुके हैं। ये चौधरी निसार जट की बहुत बड़ी गलती थी जो उसने अब्दुलरहमान बंदेशा को शहीद किया है। शायद अगर वो ऐसा काम ना करता तो सिदरा सईद बंदेशा इतनी जल्दी उसके लोगों को तोड़ने में कामयाब ना होती। डॉक्टर निसार जट ने अपने पांव खुद काटे हैं और इंशाल्लाह अगला इलेक्शन सिदरा सईद बंदेशा ही जीतेगी, क्योंकि इसकी कंपेन से, लोगों के तज्जियों से, लोगों की बातों से इस बात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं।